रोहतक में एक बुजुर्ग दंपत्ति का प्लॉट उसी की ही बेटी और दामाद द्वारा कब्जा कर धोखे से बेचने का एक मामला सामने आया है। जी हां, रोहतक के भोकरा कोट में रहने वाली लगभग 80 वर्षीय दंपत्ति का लगभग 9 साल पहले गुड़गांव में बीपीएल प्लॉट निकला था, जिसे उसके ही दामाद और बेटी ने धोखे से किसी को बेच दिया। पुलिस को दी शिकायत में दंपति ने बताया कि उसे 2 महीने पहले पता लगा कि उसका वह प्लॉट उसकी ही बेटी और दामाद ने हड़प लिया और उसे आगे बेच दिया। दंपति का कहना है कि ना तो उसकी तहसील में फोटो खिंचवाए गए, ना ही उसे उसके प्लॉट के पैसे मिले। उसने अपनी ही बेटी और दामाद के खिलाफ ओल्ड सब्जी मंडी थाना में धोखाधड़ी करके उसका प्लॉट बेचने की शिकायत दी है। और साथ ही उसका यह भी कहना है कि इस मामले में जांच कर रहे पुलिस कर्मचारी इस मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे। उन्हें बार बार थाने में बुलाया जाता है और चक्कर कटवा कटवा कर परेशान किया जा रहा है। और हार कर आज दंपति, जिसकी उम्र लगभग 80 साल है और उसके पति की उम्र 90 साल है, दोनों ही जहर खाने को मजबूर हो चुके हैं। अब देखना यह होगा कि पुलिस इस मामले में कहाँ तक कार्रवाई करती है। जी बाबा, क्या मामला हो गया, बताओ बताओ क्या मामला? लाठ लकड़ा था जी। किसका? दंपति का। मेरी बीवी का। मेरी बीवी का। अरे गम कर लिया तू जी, मेरा जमाई ने, मेरी छोरी ने, उसका छोरे ने मारा थी, कुछ नहीं मिला जी। थाना रिपोर्ट दी, उसका कोई हाल नहीं कर दे, चक्कर कटा रहे जी। रात दिन हमने थाना आगे पड़े रहा था, उसकी कोई ठीकन था, हमने जा कर मारा थी, चक्कर कटा रहा जी। कश्मीरी कश्मीरी है जी थाना में, वो चक्कर कटा रहा है, काम नहीं करता जी। हम गरीब आदमी गोली खा के मरांगे नहीं तो, जमा मरन नहीं रहा जी। जो कैसे आपका प्लाट कैसे गया ये बताओ। प्लाट रिश्ती जी बेचा है जी, हमने उसमें 3-9 साल में मेरा पटाया जी, मारा प्लाट भी किया 9 साल में, बताया है ने। रजिस्ट्री नहीं करा रखी थी कितो भी, ना दंपति ने नहीं करवा रखी कितो भी, रजिस्ट्री नहीं करवाई है ना किसी का नाम कराया, क्योंकि बच्चे किसी को फोटो फाटो नहीं खिंच रहे मारे जी। उन्हें दिया उन्हें जी, आपको दे दिया जी, या कागता मिल दिखा दी जी, आपको बेच के दी। तो आप क्या चाहते हो प्रशासन से? हम तो प्लाट चाहिए जी। प्लाट दे दे जी, हमारा किस्ती बेचा किस्ती ना दिया, हमने प्लाट चाहिए जी, हमने तो बेचा नहीं जी।